गुड इवनिंग वंस अगेन, हेलो गाइस, हाय रोहित, हाय युतिका, कैन यू गाइस हियर मी प्रॉपरली एंड कैन यू सी द पीडीएफ आल्सो? हाय हाय सानिका, हाय आर्यन, हेलो सृष्टि, हाय कविता, हाय प्रीति, यस रीस्टार्ट किया पूरा मैंने सॉफ्टवेयर, हेलो सानिका, ओके। सो हम बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की, चैप्टर नंबर 8 आपका साइंस 2 के अंदर। एंड इसमें हमने देखा था कि एक सेल क्या होता है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, दो तरह के एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट स्टेम सेल्स क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल करके हम साइटोलॉजी यानी कि सेल के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रीजनरेटिव थेरेपी, ये सारे में इस्तेमाल होता है। फिर हमने देखा था अलग अलग कैसे हम लोग क्रॉप्स को बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, ये सारी चीज हमने किया हुआ था। फ्रूट प्रोसेसिंग से लेके एपिकल्चर से लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग, सारे टॉपिक इसमें कवर किए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन, अगर आपको याद होगा तो। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज क्विकली, ऑलरेडी हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है काफी। फर्स्ट क्वेश्चन था, मेथड्स लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रॉयड ट्रांसप्लांट आर मेनली यूज्ड फॉर डैश। तो ये मेथड किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ही सिंपल सा। हेलो अंकिता, गुड इवनिंग, हाय आरती, हाय हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। कविता, ये हमारा रिवीजन तो पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है, अभी फिलहाल हमने सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लिया है एक्सेप्ट लैंग्वेजेस। और ये अभी साइंस 2 का आखिरी सब्जेक्ट हमारा साइंस 2 चल रहा है, हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ हो चुका है। प्लीज पुराने वीडियोस देखिए, थोड़ा सा प्लेलिस्ट चेक करिए। यस तन्वी, अगर आप अच्छी तरह से पेपर सॉल्व करते हो एंड करेक्ट पेपर सॉल्व करते हो तो जरूर आपका इतने मार्क्स आ सकते हैं, 95% आ सकते हैं। यस द करेक्ट आंसर इज ए, एनिमल हस्बेंड्री इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ही होता है जिसमें हम अलग अलग एनिमल्स को एम्ब्रॉयड ट्रांसप्लांट करते हैं, इंसेमिनेशन करते हैं और उन्हें पालते हैं उनसे फायदा उठाने के लिए। वो हमारे लिए एक तरह का प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं एंड उनसे हम अपना फायदा निकालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्विकली। डैश इज द रिवॉल्यूशनरी इवेंट इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग। तो क्लोनिंग के बाद, अगर आपको याद होगा, क्लोनिंग हमने सीखा था, एनिमल क्लोनिंग हमने स्कॉटलैंड में फर्स्ट शीप को किया था, डॉली जिसका नाम था। तो क्लोनिंग के बाद सेकंड कौन सा रिवॉल्यूशनरी इवेंट है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा एकदम ही रिवॉल्यूशनरी इवेंट है? वेरी गुड, क्या बात है, आई सी द आंसर्स, सृष्टि, एनिम्स एंड प्रीति, तबस्सम, युतिका, कविता, अंकिता, एवरीवन एल्स, स्टेम सेल रिसर्च, दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेम सेल रिसर्च बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी है क्योंकि इससे हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, रीजनरेशन, ऑर्गन रीजनरेशन, ये सारी चीज करने लग गए, बहुतों की हम जान बचाने लग गए बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। The disease related with the synthesis of insulin is dash. Very simple, very easy. Insulin किस चीज में, कौन से disease के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग insulin? बहुत ही easy answer है इसका। Come on. Yes, very good. क्या बात है, रिया जी ने पुराना वाला आंसर, ओके। तबस्सुम, युतिका, आरती का पहले दिख रहा है, गायत्री, तन्वी, सृष्टि, एनिम, सानिका, रोहित, वेरी गुड एवरीवन एल्स। डी डायबिटीज इज द करेक्ट आंसर, डी डायबिटीज इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड।
याद रखिएगा ये। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनकरेज द डैश फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी बाय लॉन्चिंग NKM16। तो आपको पता ही होगा NKM16 क्या होता है। कौन पहले तो बताएगा मुझे, हुज गोना टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ NKM16? व्हाट इज NKM16? चलिए, वेरी गुड, आई सी द आंसर। अंकिता, एनिम्स ऑफिशियल, तन्वी, सृष्टि, गायत्री, आरती, सब लोग आंसर देना चालू कर दिए हैं। एंड तन्वी ने मुझे सबसे बोला नील क्रांति मिशन, वेरी गुड। NKM16 इज नील क्रांति मिशन। 16 क्यों है? क्योंकि 2016 में ये चालू किया गया था। 2016 में गवर्नमेंट ने निकाला था जिसमें 150% से 100% सब्सिडीज देने वाली थी ताकि एक्वा कल्चर एक्टिविटीज को एनकरेज किया जाए। एक्वा कल्चर के अंदर सिर्फ मछलियां ज्यादा उगाना नहीं होता है, लेकिन इट ऑल्सो इंक्लूड्स पर्ल, ऑयस्टर्स, सीविड्स, प्रॉन्स, एवरीथिंग एल्स। इसलिए इसे एक्वा कल्चर कहते हैं, नॉट जस्ट पीसी कल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, सभी ने ऑलमोस्ट राइट आंसर दिया। ये वाला एक्वा कल्चर, ऑप्शन ए वॉज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स इज कॉल्ड डैश। तो स्टेम सेल्स की क्या प्रॉपर्टी है, क्या खासियत है? उसकी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? बहुत लोग आंसर गलत दे रहे हैं। एंड पहला सही आंसर दिख रहा है मुझे तबस्सुम का, फिर कविता का, और सानिका का भी था, अंकिता का भी ऊपर चला गया, एनिम्स का भी चला गया ऊपर। आंसर सही डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। प्लूरीपोटेंसी ये प्रॉपर्टी है। प्लूरीपोटेंसी यानी कि वो मल्टीपल, एक ही सेल है वो अलग अलग सेल में बनते जा रहा है, मल्टीपल उसका अलग अलग सेल्स हम उससे बनाते हैं, एक ही सेल से, एक ही टाइप से हम अलग अलग टाइप बना रहे सेल के, इसको हम कहते हैं प्लूरीपोटेंसी। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी टू डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड प्लूरीपोटेंसी। डी इज द करेक्ट आंसर, डिफरेंशिएशन आंसर नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ यहां पे था। याद रखिएगा दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, नहीं प्लूरीपोटेंसी। ओके, सब लोग जिसने भी सी आंसर बोला, नहीं है सी आंसर, डी इज द आंसर। याद रखिए डिफरेंशिएशन तो एम्ब्रॉयज स्टार्ट करते हैं, यानी अलग होना, उस प्रोसेस का नाम है, जबकि सेल की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्लूरीपोटेंसी। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन वर्ड कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान रखिएगा जिसका जिसका रॉन्ग हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। सेल डैश स्टार्ट्स फ्रॉम द 14th डे ऑफ कंसेप्शन। अब भी हम बात कर रहे थे इसी चीज का जो आप सभी ने आंसर दे दिया, तो आई एम होपिंग सभी लोग अब राइट करेंगे आंसर इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन, अब भी हम जस्ट इसकी बात कर रहे थे, 14th डे ऑफ कंसेप्शन से चालू होता है सेल्स का क्या, क्या प्रोसेस चालू होता है? अब भी मैंने जस्ट आपको प्रोसेस का नाम बोला जो आपने पहले आंसर दिया भी। यस, डी इज द आंसर, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है, और ये डिफरेंशिएशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स टू हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स। प्लूरीपोटेंसी प्रॉपर्टी की वजह से डिफरेंशिएशन हुआ। ओके, आई होप आपको ये फर्क याद रहेगा, डिफरेंस जो है दोनों के बीच में याद रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए मौजूद? ये तो नहीं पढ़ा है तो भी कॉमन सेंस से बता सकते हो, पढ़ाई नहीं की है तो भी कॉमन सेंस से बता सकते हो, वैसा क्वेश्चन है कि सबसे जरूरी चीज क्या है। वेरी गुड,
वेरी गुड एवरीवन। गायत्री, कविता, तन्वी, युक्तिका, सानिका, प्रीति, तबस्सुम, आरती, सब तीती ताता वाले बहुत लोग हैं। वेरी गुड, यस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोनर होना चाहिए ना। अगर डोनर ही नहीं है तो कहां से आप लगाओगे, ऑर्गन कहां से लाओगे ट्रांसप्लांट के लिए, राइट? ओके, हाय सेजल, कोई बात नहीं, आंसर करना चालू करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट क्वेश्चन। द टॉक्सिन विच इज लीथल फॉर डैश वॉज प्रोड्यूस इन लीव्स एंड बॉल्स ऑफ बीटी कॉटन। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी कॉटन को बनाया और उसको किससे बचाने के लिए, उसको हमने जहरीला पदार्थ अंदर कर दिया उसके लीव्स के अंदर ताकि वो खा के मर जाएंगे। तो वो क्या आंसर है, किसको मारने के लिए ये किया हमने, किसे मारने के लिए? वेरी गुड, एनिम्स का आंसर सबसे पहले दिख रहा है मुझे। आरती, तबस्सुम, सानिका, प्रीति एंड सृष्टि, युतिका एंड एवरीवन एल्स, सभी ने आंसर सही दिया है। ए, बॉल वॉर्म्स इज द आंसर, जिसको खा के वो मर जाएंगे और हमारा प्लांट सुरक्षित रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन। ट्रांसजेनिक रॉ पोटेटोज जेनरेट द इम्यूनिटी अगेंस्ट डैश डिजीज। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जेनेटिक वेरिएशन करके, हमने पोटेटोज के अंदर कुछ ऐसी चीज मिक्स कर दी जिससे हमें इम्यूनिटी मिलेगी। कौन से डिजीज के अगेंस्ट वो इम्यूनिटी मिलेगी, कौन से डिजीज के अगेंस्ट वो इम्यूनिटी मिलेगी? चलिए, बहुत ही सिंपल आंसर। अगेन, तबस्सुम, एनिम्स, सृष्टि, युतिका, गायत्री का आंसर सबसे पहले दिख रहा है मुझे, एंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलेरा। कोलेरा इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर होते जा रहा है। एंड बाकी सब भी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, नंदिनी, रोहित, आरती एंड एवरीवन एल्स, जो लास्ट लास्ट में नाम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन। नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डैश। तो अभी देखो हम क्या बात कर रहे हैं, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। नॉन जेनेटिक, हमने देखा था जेनेटिक यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड नॉन जेनेटिक। तो यहां पर हम किसके चीज का यूज का बात कर रहे हैं? वेरी गुड, क्या बात है, बहुत लोग ने गलत आंसर भी दिया लेकिन बहुत लोग ने सही आंसर भी दिया। कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन याद रखिए इसका करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ दी, सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू दोनों ही आएंगे आंसर, याद रखिए। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है ये चीज। नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ आइदर सेल और टिश्यू, याद रखिएगा ये चीज। ये सब क्वेश्चन थोड़े और ट्रिकी बना दिए गए हैं, हमारे मैम ने बनाए हैं, ध्यान दीजिए आपके फायदे के लिए सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन फ्रॉम बैकिलस थरिंजिनेसिस इज इंट्रोड्यूस विद द जीन ऑफ डैश। तो अब भी हमने बात किया था एक वॉर्म को मारने का, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एक वॉर्म को मारने का हमने बात किया था। तो उसके लिए जो जीन लेते थे वो हम लोग बैकिलस थरिंजिनेसिस लेते थे। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? वेरी गुड, मुझे आंसर दिख रहा है सबसे, प्रीति का, युतिका, फिर एनिम, सानिका, सृष्टि, गायत्री, तबस्सुम, रिया, एंड द करेक्ट आंसर इज कॉटन। कॉटन इज द करेक्ट आंसर, कॉटन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखेंगे। हाई क्लास वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द टेक्निक ऑफ डैश। तो एकदम सिंपल, कैसे हमने डेवलप किया, बहुत ही बेहतरीन अच्छे वैरायटी वाले क्रॉप्स कैसे डेवलप किए।
वेरी इजी आंसर, तबस्सुम, सृष्टि, एनिम, तन्वी, आरती, नंदिनी, प्रीति, सभी का आंसर दिख रहा है, सभी का सही आंसर है, वेरी गुड, डी, दैट इज टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर इज द करेक्ट आंसर, टिश्यू कल्चर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 क्वेश्चन. अर्लियर इंसुलिन वॉज बींग कलेक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ डैश. तो पहले हम लोग जो हमने देखा डायबिटीज के लिए इंसुलिन, वो कौन से किसके पैंक्रियास से हम कलेक्ट करते थे, कौन सा वो जानवर है जिसके पैंक्रियास से हम कलेक्ट करते थे. हेलो शुभम, वेलकम टू द लाइव सेशन. बहुत ही इजी आंसर अगेन, वेरी गुड, क्या बात है, सभी ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया. युक्तिका, आरती, सानिका, सृष्टि, तबस्सुम, अंकिता, तन्वी एंड सभी का आंसर सही है. दैट इज हॉर्सेस, पैनक्रियाज ऑफ द हॉर्सेस, घोड़ों के पैनक्रियाज से इंसुलिन हम लेते थे, याद रखिएगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 क्वेश्चन देखेंगे. डैश अराइजेस ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस इन हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट्स क्या होते हैं, किसी को याद है कौन से सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, कोई बता सकता है मुझे? कम ऑन, एनीवन नो, कोई बात नहीं. लिवर सेल्स को हम कहते हैं, लिवर सेल्स को. सो जेनेटिक चेंजेस लिवर सेल्स के अंदर लाने के लिए किसके थ्रू आता है? यस, करेक्ट आंसर बहुत लोग का मैं देख रहा हूं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फेनिलकेटोन्यूरिया, PKT, इसका स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, फेनिलकेटोन्यूरिया, PKT, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही भयंकर प्रोनाउंसिएशन वाला. नेक्स्ट देखेंगे, 15th क्वेश्चन. द बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पॉलिटेंस फ्रॉम सॉइल एंड वाटर. तो आपको बताना है कौन सा वो बैक्टीरिया है जो हमें हाइड्रोकार्बन और ऑयल पॉलिटेंस को क्लीन करने में काम आता है, पानी और सॉइल में से, वाटर एंड सॉइल में से, मिट्टी और पानी में से, कौन सा वो बैक्टीरिया है? वेरी गुड, तन्वी का आंसर दिख रहा है मुझे, एनिम्स का पहले आंसर, तन्वी का पहले आंसर दिख रहा है मुझे, बहुत बढ़िया. एंड सानिका, आरती, सृष्टि, तबस्सुम, युतिका एंड सभी का फिर आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुडोमोनास, सुडोमोनास, पी साइलेंट है याद रखिएगा ये, सुडोमोनास इज द करेक्ट आंसर. सुडोमोनास बैक्टीरिया का इस्तेमाल से हाइड्रोकार्बन्स और ऑयल पॉलिटेंस को हम कंट्रोल में लाते हैं, ये काम आते हैं हमें. एंड दूसरे हमने देखे थे बहुत सारे प्लांट्स और अलग अलग बैक्टीरिया के थ्रू कैसे हम लोग, जैसे सनफ्लावर, सनफ्लावर किसको एब्जॉर्ब करने में काम आता है, क्या पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने में काम आता है, क्या किसी को याद है? हेलो राजश्री, क्या कोई बता सकता है? सनफ्लावर, सनफ्लावर से क्या पॉल्यूशन हम एब्जॉर्ब करते थे, ये मैंने बताया था आपको, शनोबल रशिया में भी ये यूज किया गया था, एंड हिरोशिमा नागासाकी जापान के जो शहर थे जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था वहां पर भी उन्होंने सनफ्लावर्स उगा के ये किया था कंट्रोल, क्या कंट्रोल किया था? वेरी गुड, यूरेनियम एंड आर्सेनिक, सनफ्लावर्स आर यूज टू एब्जॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक, याद रखिएगा ये. चलिए 16th क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर क्या, चैप्टर 7 क्या, मुझे समझ, चैप्टर 8 है बेटा ये, क्या हुआ. नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखेंगे, वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक NPK बिकम अवेलेबल टू द क्रॉप्स ड्यू टू डैश. तो क्या पहले तो आपको ये एलिमेंट्स के नाम पता है, NPK कौन से एलिमेंट्स है, NPK कौन से एलिमेंट्स है ये,
हुज गोना टेल मी एनपीके कौन से एलिमेंट्स है, कि आपको सारे केमिकल नेम याद हो चुके हैं? ओके वेरी गुड सृष्टि, सानिका, तन्वी लोग आंसर दे रहे डायरेक्ट पहले ऑप्शन। सृष्टि, आरती, युतिका, एनएम्स, रोहित, सेजल, गायत्री, अंकिता, प्रीति, सभी का आंसर सही है। एनिम्स ने बी कहा, लेकिन द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी बोथ, अर्थवर्म्स एंड फंगाई बोथ। एंड द एलिमेंट्स के नाम है नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड के इज पोटेशियम, याद रखिएगा के इज पोटेशियम। सोडियम का एन ए होता है सानिका बेटा, एन खाली होगा तो नाइट्रोजन, याद रखिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज बी एंड सी, दैट इज अर्थवर्म्स एंड फंगाई। अर्थवर्म्स एंड फंगाई जो होते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, वी हैव अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ डैश दैट क्योर्स द डिजीज विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो हमारे यहां पर इंडिया में क्या ट्रेडिशनली है अपने पास, जिससे हम इलाज कर देते हैं अलग अलग डिजीज का नेचुरल मेथड से, नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल आंसर ये, गायत्री, एनिम्स एंड युतिका का पहले आंसर दिख रहा है मुझे, और तीनों ने सही आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आयुर्वेदा। आयुर्वेद जो है हमारे यहां पे नॉलेज आयुर्वेदा का, उसके थ्रू इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन इंडिया का आयुर्वेदा पे, बाहर से लोग आके रिसर्च कर रहे हैं एंड दवाइयां बना रहे हैं, और हमारे यहां पे बरसों से चले आ रहा है। 18th क्वेश्चन, स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन डैश ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग्स। तो एक एडल्ट के अंदर स्टेम सेल्स कहां से पा सकता हूं मैं, एक एडल्ट के अंदर कहां से मुझे स्टेम सेल्स मिलेंगे? गुड इवनिंग साहिर, आई होप आप पहले के क्वेश्चंस बाद में देख लेंगे और अभी आंसर करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस का। लेट्स सी किसको ये आता है। एंड एनएम्स का ऑप्शन दिख रहा है मुझे, आरती का दिख रहा है, सृष्टि का दिख रहा है, दोनों तीनों कह रहे हैं कि डी, दैट इज ऑप्शन बी एंड सी आंसर है, एंड दैट इज करेक्ट आंसर। रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, कॉर्ड ब्लड, प्लेसेंटा, ये सारी अलग अलग जगहें हैं जहां से हमें स्टेम सेल्स मिलते हैं, और एडल्ट के अंदर बी एंड सी बोथ ऑप्शन आएगा, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप ये याद रखे आप। 19 क्वेश्चन देखेंगे, डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फॉर्म्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो टोटल कितने अलग अलग तरह के सेल्स बनते हैं अपने बॉडी में, एम्ब्रियो स्टेम सेल्स के हेल्प से कितनी अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे यहां पे बनते हैं? चलिए वेरी इजी, लेट्स सी। ओके सब लोग कह रहे हैं मेजॉरिटी आर सेइंग बी, कविता जी कह रही है डी, या गलती से उन्होंने टाइप किया, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडीज, याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके नॉलेज के लिए, आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको एग्जाम में। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन केस ऑफ कंडीशंस लाइक डैश। तो कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर हम लोग स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करेंगे और डेड सेल्स को रिप्लेस करेंगे? हेलो सीवी, सीवीएस गेमर, हेलो राज, काफी लेट ज्वाइन किया आप लोगों ने। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। डायबिटीज, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस,
ये सभी डिजीज के बारे में मैं बात कर चुका हूँ वीडियो के अंदर। आई होप आपने वीडियो देखा है, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा वीडियो था ये हर चैप्टर की तरह। अगर आपको कोई भी डाउट है जरूर ये वीडियो देखिएगा फिर से, आपको जरूर सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एंड ऑल ऑफ दिस वॉज अ करेक्ट आंसर फॉर 20। आई होप सब ने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया है, बहुत ही सिंपल सभी लोग का सही आंसर था आज। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है एंड यू गाइज आर स्टडिंग एंड एंजॉइंग दिस लाइव सेशंस एंड स्मॉल इंटरेक्शंस हमारे डेली। एंड मंडे से आपका प्रीलिम्स चालू कर रहा हूं मैं, याद रखना मंडे से प्रीलिम्स चालू कर रहा हूं मैं, सभी को याद रहे मंडे से। आई होप सबकी पढ़ाई हो गई। यस थैंक्स टू मैम आल्सो, मैम पीडीएफ बनाने में हेल्प करती है हमें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल। थैंक यू 4000 टाइम्स, लव यू 3000। एंड ध्यान रखिए अपना, एंडिंग द स्ट्रीम नाउ, गुड नाइट। कल नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना कौन सा है, 8 के बाद 9th चैप्टर कौन सा है अपना, मेरे ख्याल से सोशल हेल्थ कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, सोशल हेल्थ, यस 9th चैप्टर का नाम था सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ होगा। बाकी कीप लर्निंग गाइस।